गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अच्छा प्यारों में ज्योग्राफी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र को जो संदर्भ हम करेंगे नदी के बहते जल के संदर्भ में, नदी के बहते जल के संदर्भ में इसको अध्ययन करेंगे। अपवाह तंत्र का मतलब है किसी निश्चित अब निश्चित का मतलब यहाँ इस बात से है कि किसी निश्चित, अब एक चीज आपको ध्यान होगा, आपने देखा होगा नदियों का बहता हुआ जल आपने देखा होगा, ठीक है ना, और कहाँ से नदी निकल रही है और कहाँ उसका जल जा रहा है ये भी आपने देखा होगा कि एक किसी निश्चित क्षेत्र से जल निकलता है, कोई भी निश्चित जिसको हम नदी का उद्गम कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम कहते हैं, जहां से नदी का जल निकलता है उसे हम नदी उद्गम कहते हैं। और नदी का अंत जो होता है तो अंत जहां जो होता है, अब अंत समुद्र में भी हो सकता है, किसी झील में भी हो सकता है, किसी छोटी नदी का बड़ी नदी में भी हो सकता है, ठीक है ना, तो वो अलग चीज है। लेकिन उद्गम से लेकर और वो अंत तक जब आती है तो वो जल जो होता है वो किसके अनुसार बहता है? ढाल के अनुसार। इसके अनुसार ढाल के अनुसार, ठीक है ना। तो जब जल किसी निश्चित ढाल के अनुसार बहता है तो उसे अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। और अन्य सहायक नदियों के मिलने से एक तंत्र का निर्माण हो जाता है, एक तंत्र का निर्माण होता है जिसे ही अपवाह, ठीक है ना भाई, सीधा से अपवाह का मतलब है जल का बहना। जल का बहना क्या है? अपवाह है। अब कोई नदी है, ठीक है ना, ये नदी है, ये बह रही है, ये इसका अपवाह है। अब इसमें छोटी बड़ी और दूर दराज की तरह से पूरा क्षेत्र जो है वो पानी का बहाव लेने क्या कर रहा है, चल रहा है, तो ये पूरा सिस्टम से ये जब चल रहा है इसे कहते हैं अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र का नाम देते हैं। और इस तंत्र की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है निश्चित ढाल, किसी जगह से निकलता है और निश्चित ढाल का अनुसरण करता हुआ किसी अंत के क्षेत्र में क्या करता है? चला जाता है। तो उद्गम से लेकर अंत तक जो जल बहता है उसे अपवाह कहते हैं, और जब ये कई शाखाओं के रूप में आकर विस्तार रूप धारण कर लेता है तो उसे कहते हैं अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसको ड्रेनेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। और उससे क्या होता है कि जब नदी होती है उससे कई शाखाएं मिल जाती है, ठीक है ना, कई अन्य सहायक छोटी सहायक नदियां जो होती है, बड़ी सहायक नदियां जो होती है, ये इनमें आगे मिल जाती है, तो पूरा ऐसे जाल सा बन जाता है। इस जल प्रवाह का क्या बन जाता है? जाल सा बन जाता है। इस जाल को ही क्या कहा जाता है? तंत्र कहा जाता है या अपवाह तंत्र कहा जाता है, क्योंकि ये निश्चित रूप से होता है। सिर्फ समझ आया कि अगर किसी निश्चित रूप से कोई ढाल के अंदर जल प्रवाहित हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। और जब ये कई शाखाओं में कई अन्य छोटी बड़ी नदियां आकर जब इस तरह का जाल रूप में निश्चित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। अब इस अपवाह तंत्र को, अपवाह तंत्र का जो विकास होता है, अपवाह तंत्र का जो विकास होता है वो किस पे डिपेंड करता है? देखो भौगर्भिक कहते हैं इसको, जो भौगोलिक संरचना है वो, ठीक है ना, जल की मात्रा, भौगोलिक संरचना है, ठीक है ना, जल की मात्रा है, ये सारी चीज इस पर क्या करती है? डिपेंड करता है। और ढाल,
राग, ठीक है ना। चट्टानों, चट्टानें जो होती है, चट्टानों की जो संरचना होती है वो संरचना कैसी होती है वो भी इस अपवाह को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो भूगर्भिक संरचना हो गई, आपके जल की उपलब्ध मात्रा होगी, जल बहाव का जो समय अवधि है, जल बहाव की समय अवधि है वो इसको क्या करती है, प्रभावित करती है। इसका जो विकास होता है इन कारणों से, इनका विकास होता है, चट्टानों की जो संरचना है, ठीक है ना, वो एक भूमिगत जो समय है कि कितने समय से बहती रियाली है, वो सारी चीजें जो होती है वो अपवाह के विकास में महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, ठीक है ना। तो आपने जो नदी के किनारा देखा होगा तो उसके अंदर तो हो सकता है एक नदी तो आपने ऐसी देखी हुई जो हमेशा बहती रहती है, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, ये हमेशा बहती रहती है, ठीक है ना। और एक नदी ऐसी है जिसमें बरसात होती है तो पानी आ जाता है, जल आ जाता है, आग ज्यादा होती है, और जब बरसात नहीं होती है तो फिर उसमें धीरे धीरे नालियों के रूप में थोड़ा 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 पानी बहता रहता है। यानी एक ऐसी नदी है जिसमें निरंतर पानी या जल की उपलब्धता रहती है, और एक ऐसी नदी है जिसके अंतर्गत पानी जो है वो बरसात के दौरान तो ज्यादा हो जाता है, और बरसात जब नहीं होती है पूरे साल भर के अंतर्गत जब बरसात का समय होता है केवल उसी समय जल की उपलब्धता ज्यादा होती है, उस समय बाद में धीरे 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 उसमें समय जल की क्या होती है कमी होती है, और कई नदियां तो सूख भी जाती है, और जैसे बरसात होती है पुनः उसके अंतर्गत क्या होता है जल की आवक होने लगती है। तो इस आधार पर हम देखें तो आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी नदियां हैं जिनको हम बारहमासी कहते हैं। बारहमासी का मतलब क्या होता है, जो बारह महीने बहती है, बारह महीने उनके अंतर्गत जल की उपलब्धता रहती है, बरसात के दौरान बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन बारह महीने को लगातार उसके अंदर क्या होती है जल की उपलब्धता रहती है, ठीक है ना। और एक होती है उसको हम बोलते हैं बरसाती नदी या मौसमी नदी, मौसमी नाम है मौसम के अनुसार सीजन, ठीक है ना। जब बरसात होती है तब तो उनके अंतर्गत जल की आवक ज्यादा हो जाती है, और बरसात नहीं होती है तब उनके अंतर्गत पानी की मात्रा क्या होती है कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके आधार पर ही दो स्वरूप हम देख सकते हैं, वो हमारा जो अपवाह तंत्र है वो दो रूपों में माना जाता है भारत का जो अपवाह तंत्र है, ठीक है ना। तो भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से दो रूपों में माना गया है, एक माना गया है हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र, और दूसरा जो माना गया है वो माना गया है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत का अपवाह तंत्र, इसको हम लिख सकते हैं उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र। दो तंत्र है, एक हिमालय से निकलने वाली नदी है, अब इसको भी हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना, जो हमारा बारहमासी अपवाह तंत्र है वो तो कौन सा हुआ, हिमालय वाला हुआ, और जो बरसाती नदी वाला है या मौसमी है वो कौन सा हो गया, प्रायद्वीपीय भाग का हो गया, ठीक है ना। तो अपवाह की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये मान के चलते हैं कि जल के बहने को अपवाह कहते हैं, और जब ये जल एक नदी में एक निश्चित रूप में जो धारा बहती है, जो सरिता बहती है, उसको हम क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। और उसमें अगर छोटी 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 दूर दूर से डाल के अनुसार नदियां उस नदी में मिल जाती है तो उस पूरे क्षेत्र के अंदर एक जाल सा बन जाता है, इस अपवाह के जाल को ही कहते हैं अपवाह तंत्र, ठीक है ना। और इसी अपवाह तंत्र का रूप ही होता है कि जब बड़ी नदी अपनी छोटी नदी के जल को अपने में ग्रहण करके आगे बहती है तो उस पूरे क्षेत्र को कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, क्या कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, वो इसके बारे में मैं थोड़ी बात करूंगा। देखिए हमने माना कि भारत के अंदर जो नदियों का प्रवाह होता है, नदियों के जल का प्रवाह होता है, उसको दो भागों में विभाजित किया गया है समझने की दृष्टि से। वैसे तो पूरी सारी की सारी भारत की नदियां समान होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी समझने की दृष्टि से हमने क्या किए हैं, दो भाग किए हैं। वो इसलिए किए गए हैं कि इनकी खुद की कुछ
जाती है, उनके कारण उनको दो भागों में विभाजित करना पड़ता है। ठीक है, पहला कौन सा है? बारहमासी प्रवाह। बारहमासी प्रवाह मतलब कि 12 महीने तक इन नदियों के अंदर जल की क्या रहती है, आपूर्ति रहती है। दूसरा है हिमालय, इसी का नाम है हिमालय, यानी ये सारी बारहमासी नदियां जो है वो कहां से निकलती है? हिमालय। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का जो अपवाह तंत्र है उन्हें कहते हैं हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र। यानी वे सारी नदियां जो हिमालय से निकलती है, हिमालय क्षेत्र से निकलती है, उन क्षेत्र को क्या कहते हैं? हिमालय का अपवाह तंत्र। अब चूंकि हिमालय का उत्तरी भारत में है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियों का जो अपवाह तंत्र है उसको हम कौन सा बोलते हैं? हिमालय का उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र, क्योंकि भारत के उत्तर में, उत्तरी भारत में हिमालय क्षेत्र है। लेकिन कर्क रेखा के उत्तर भाग जो है उसे हम उत्तरी भारत कहते हैं, कर्क रेखा के दक्षिण का जो हिस्सा उसे हम दक्षिण भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है पूर्ण रूप से दक्षिण भारत क्षेत्र कहलाता है, और हिमालय जो क्षेत्र है वो कहाँ आता है? उत्तरी भारत में आता है। तो हम इसको तीन रूपों में कह सकते हैं। हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र ऐसी नदियां जो 12 महीने बहती है, तो 12 महीने वहीं से बहेंगी, क्योंकि हिमालय की जो बर्फ है या हिम जो है वो पिघल पिघल कर इन नदियों को जल की आवक देती रहती है। तो साल भर ये नदियां बहती है, इसलिए इनको बारहमासी नदियों के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसका हिमालय, अब चूंकि हिमालय से निकलती है इसलिए इसका हिमालय। अब हिमालय का है भारत के उत्तरी क्षेत्र में, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र। इनको तीन नामों से जान सकते हैं, हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र या हिमालय का अपवाह तंत्र, उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र, बारहमासी अपवाह तंत्र या बारहमासी नदियों का अपवाह तंत्र। दूसरा जो भाग आता हुआ है प्रायद्वीपीय भारत का, और प्रायद्वीपीय भारत को हम कहते हैं दक्षिण का भाग, यानी जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ दक्षिण का हिस्सा है हमारे भारत का, उसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों के अपवाह तंत्र को प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत में है इसलिए इसको दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र भी कहते हैं। और यहाँ की नदियां जो है वो छोटी है, बरसाती नदियां हैं, मौसमी नदियां हैं, बरसात के दौरान यहाँ जल की आवक क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन हिमालय में क्या लगातार बर्फ, तो यहाँ बर्फ की स्थिति न होने के कारण, उपस्थिति न होने के कारण केवल बरसात के दौरान ही इन नदियों को जल की उपलब्धता क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए इन नदियों को हम कहते हैं बरसाती नदियां, मौसमी नदी। मौसमी का मतलब मौसम के अनुसार इनमें जल की आवक होती है। बरसात का मौसम होता है जल की आवक ज्यादा होती है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में जल की आवक क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस उपलब्धता के आधार पर ही इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब अपवाह तंत्र के कई प्रकार आ जाते हैं, लेकिन इसमें पहला मैं कौन सा है आपको एक चीज चित्र बताता हूं। देखिए ये एक नदी का प्रवाह हो रहा है, इसे इसको अपवाह कहते हैं। अब इसमें कई छोटी छोटी सहायक नदियां आपके बीच और इन्हें मिल रही है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये पर्वतीय हिस्से है, यहां से कोई नदी निकली, यहां से कोई नदी निकली, यहां से कोई नदी आकर इसके ऊपर क्या हो रही है? अपवाह तंत्र कहते हैं। जब एक निश्चित दिशा में जल का प्रवाह होता है उसे अपवाह कहते हैं, और जब ये अपवाह कई शाखाओं को मिल मिलकर एक पूरा जाल सा बन जाता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से जल का जो है प्रवाह होता है, तो इस ऊंचाई वाले क्षेत्र से और किस ऊंचाई वाले क्षेत्र से नदियां इधर से इधर निकलती है, इधर से इधर निकलती है। तो यहां से ये नदियां आकर इसमें पूरा अपना जल डाल देती है, छोटी बड़ी नदी का निर्माण हो जाता है। इस पूरी नदी के नाम से ही इस नदी का अपवाह तंत्र माना जाता है, मुख्य नदी के नाम से इसका अपवाह तंत्र माना जाता है। तो ये पूरा जो जाल सा बन गया इसे कहते हैं अपवाह तंत्र, और जल के बहने को कहते हैं अपवाह। समझ आया? तो मुख्य नदी में जो सहायक नदी है। अब दूसरी बात, यहां से देखिए आप कि ऊंचाई वाला हिस्सा जो है, तो मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले हिस्सों को आपस में मिलाने वाली रेखा को कहते हैं समोच्च रेखा। क्या कहते हैं? समोच्च रेखा। अब इसमें क्या होता है कि जहां जहां से नदियां निकलती हैं और जिस अपवाह तंत्र में मिलती हैं, तो यहां से ये मिली, इनको हमने मानचित्र पर क्या कर दिया? मिला लिया जो ऊंचाई वाले हिस्से। तो इस प्रकार से इन ऊंचाई वाले हिस्सों को मिलाकर जहां से जल का विभाजन हो रहा है, जहां से जल विभाजित हो रही है, जहां से जल दो शाखाओं में विभक्त हो रहा है, उस उद्गम स्थल को पॉइंट मानकर मानचित्र पर एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा को बोलते हैं जल विभाजक रेखा।
क्या कहते हैं, जल विभाजक रेखा। ये इस प्रकार की समझाने वाले समानों में से ये यहाँ पर बनी इससे, यहाँ पर बनी इससे, एक नदी यहाँ बह रही है ठीक है ना, और एक नदी यहाँ बह रही है। इस चित्र को यहाँ से और इस चित्र को, ये जो रेखा खींची जाए इसको बोलते हैं जल विभाजक रेखा। क्या कहते हैं, जल विभाजक रेखा। और ये जो मुख्य नदी है ये अपने साइड में जो इस धारा के अंदर आ रही है, इनके सबका जल क्या करती है, ग्रहण करती है। इनके सबका जल क्या करती है, ग्रहण। तो ये अपवाद का रूप जो है वो एक तरह से क्या हो जाएगा, जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र। इसको इससे बोलते हैं कैचमेंट एरिया। बड़ी नदी जो है वो छोटी नदियों के जल को कैच कर रही है, ग्रहण कर रही है, और छोटी नदियां जो है वो अपने क्षेत्र से निकलकर डाल के उतार आकर बड़ी नदी में क्या हो रही है, मिल रही है। तो एक तरह से जो सहायक नदियां होती हैं वो अपना जल जब मुख्य नदी में डालती है तो मुख्य नदी का पूरा जो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है जल ग्रहण क्षेत्र, या इसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र। यही अपवाद का जो हिस्सा है सहायक नदियों के द्वारा अपने जल को मुख्य नदी में मिला रहा है, बड़ी नदी है और वो सहायक नदियों के जल को अपने में शामिल कर रही है, तो पूरा एरिया वो कहलाता है अपवाद तंत्र कहलाता है ठीक है। क्या कहलाता है, अपवाद तंत्र कहलाता है। और इस प्रकार की जो गाठनुमा क्षेत्र हो जाता है इसको बोलते हैं अपवाह द्रोणी। क्या बोलते हैं, अपवाह द्रोणी। इस द्रोणी का नाम क्या हम कह सकते हैं, इसको बोलते हैं बेसिन। क्या बोलते हैं, बेसिन ठीक है ना। तो ये एक तरह का बेसिन बन गया, यहां से प्रगति इससे निकली ठीक है, इन क्षेत्रों से होती हुई निकल गई, साइड में क्या क्या हो रही है, निकली है। इस प्रकार की जो घाटनुमा क्षेत्र के अंदर नदियां प्रवाह होता है तो उसे बोलते हैं अपवाह द्रोणी। द्रोणी का मतलब एक तरह से घाटी होती है, इसीलिए कहते हैं नदी घाटी। क्या कहते हैं, नदी घाटी। नदी जो होती है वो घाटी में बह रही है, तो इस तरीके से घाटी में बहने वाली जो अपवाह से अपवाह द्रोणी या बेसिन के नाम से है, उस नदी का बेसिन, जिससे गंगा नदी बेसिन। तो गंगा नदी बेसिन का मतलब है गंगा नदी जहां जहां बह रही है उसका जो अपवाह हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, गंगा नदी का बेसिन का नाम से जाना जाता है, जिसमें उसके ऊपर वाले ढाल वाले क्षेत्र और गहराई वाला हिस्सा, इन दोनों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इसलिए हमारे घर के अंदर जो वॉश बेसिन है आपने देखा होगा, वॉश बेसिन की आकृति कैसी होती है। अब इसमें देखो बेसिन क्या होता है, बेसिन में थोड़ा सा समझते हैं। बेसिन में देखिए मुख्य नदी जो है वो बह रही है, जैसे ये ऐसी स्थिति है ठीक है ना, यहां से कोई सहायक नदी, अब यहां से पहले से कोई मुख्य नदी बहती हुई आ रही है, अब इसमें से कोई सहायक नदी है वो इसके अंदर आ गई, फिर इसमें आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ। इसकी जो इस प्रकार की जो आकृति, ये द्रोणी की जो आकृति बनाती हुई नदी आगे बह रही है, इसे बोलते हैं अपवाह द्रोणी। क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी, जिसमें मुख्य नदी में जल आ रहा है और आसपास की सहायक नदियों का जल उसके अंदर आकर क्या हो रहा है, मिल रहा है, सम्मिलित हो रहा है। तो हमारे पास आपने देखा होगा घर में भी इस तरीके से आपने देखा होगा, यहां पर छेद से बनाए जाते हैं ठीक है ना, जिसको हम वॉश बेसिन बोलते हैं ठीक है। ये मुख्य आधार होता है यहाँ। अब देखिए आप नल से अगर हम टैंक को ओपन करते हैं तो यहां से जो पानी पड़ेगा वो सीधा तो यहां पड़ेगा, देखो ये देखिए सीधा आ रहा है। तो इसका मतलब मुख्य नदी तो आ रही है, मुख्य नदी तो आ रही है ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि यहां से जब अपने हाथ धोए, हाथ धोने से क्या होगा, पूरा का पूरा जल वो सीधा आ रहा है ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। इस प्रकार की आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, बेसिन। अब इसमें क्या है, सहायक नदियां आकर मिल रही है, सहायक नदियां आकर मिल रही है, क्षेत्र नदी के द्वारा गहरा हो गया और यहां से एक घाटी बन जाती है। उस घाटी को हम कहते हैं द्रोणी, अपवाह द्रोणी। क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। तो अपवाह द्रोणी को क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। तो यहां देखिए आप मुख्य नदी तो ये है, ये मुख्य नदी। अब हम हाथ धो रहे तो जल यहां भी भरेगा, हम हाथ धोते तो जल यहां, तो यहां का जल देखो कैसे आ रहा है, इसकी आकृति देखो कैसे बनेगी, यहां से जल देखो ये, यहां से 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 यहां से। तो ये सारी नदियां और ये मुख्य नदी, तो ये मुख्य नदी
और एक साइन है, मतलब एक तरह से तो इस पूरी आकृति को नाम दिया जाता है वॉश बेसिन। क्या नाम दिया जाएगा? वॉश बेसिन। बेसिन की आकृति में हम हाथ धो रहे हैं, ऐसी आकृति जिसमें हम हाथ धोते हैं उस आकृति वाले पात्र को हम नाम देते हैं वॉश बेसिन, क्योंकि वो बेसिन की आकृति का है। इसकी आकृति का है, बेसिन की आकृति का है। अब हम क्या करते हैं, वॉश बेसिन, बेसिन नहीं है वो उसका नाम आकृति जो बन रही है वो किसकी बन रही है, वॉश बेसिन की बन रही है, उसको बेसिन बोलते हैं। वॉश बेसिन, बेसिन क्यों बोलते हैं, तो इसकी आकृति इस बेसिन जैसी होती है, इसलिए इसका नाम बेसिन है। और चूंकि इस बेसिन का उपयोग हम किसमें करते हैं, हाथ धोने के लिए करते हैं, इसलिए इसका नाम बेस बेसिन है। ये बेसिन नाम जो पड़ा है वो इस बेसिन के नाम पर पड़ा है, यानी अपवाह धोने के नाम से। इस तरीके का जो हिस्सा होता है जल का गाड़ी निर्माण क्षेत्र में, जब नदी बहती है वो अपने साइड में दिया उसमें होती है, तो उसे हम कहते हैं अपवाह द्रोणी। क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी। और सब नदी बहती है उसमें कई साइड नदियां बिना घाटी बनाए सीधी उसके अंदर आदमी मिल रही है, तो पूरा एक जाल सा बन जाता है, उसे कहते हैं हम अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। और घाटी नुमा क्षेत्र में अगर उपस्थिति हो जाती है तो उसे हम कहते हैं अपवाह द्रोणी। और जो घाटी नुमा क्षेत्र में जब एक नदी अन्य क्षेत्रों से जल को ग्रहण करना शुरू कर देती है, साइड नदियों के जल को ग्रहण करना शुरू कर देती है, तो जहां से नदी बहती है और जहां से ये साइड नदी, मान लो एक साइड नदी निकल रही है, एक निकल रही है, अब एक यहां से निकल रही है, एक यहां से निकल रही है, एक यहां से निकल रही है, एक यहां से, तो ये पूरा ही क्षेत्र कहलाएगा ना, जहां से भी निकल रही है कोई यहां से भी निकल रही, कोई यहां से निकल रही है, कोई यहां से निकल रही है, इस पूरे क्षेत्र को कह गए जल ग्रहण क्षेत्र। यानी ये नदी जो है इस नदी में कहीं से भी जल आकर गिर जाए तो जहां से वो जल आगे गिर रहा है वहां से जल आगे गिर रहा है उस क्षेत्र से लेके उस नदी तक के पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाएगा। उसी पूरे क्षेत्र को अपवाह तंत्र का नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये समझाया आपको जल ग्रहण क्षेत्र अपवाह द्रोणी बेसिन है ना, इसको पूरे को आप पूरा ध्यान से और अच्छी तरह से इसको वीडियो को पॉज करके इसके डायग्राम को आप देख लेना। ठीक है, अब आते हैं अपवाह के प्रकार क्या है, अपवाह के प्रकार। अब प्रकारों में कई प्रकार आते हैं, रेशाकार अपवाह, इसको वृक्षाकार एक द्रुमाकृति, द्रुमाकृति अपवाह, ठीक है ना। आयताकार अपवाह, ठीक है ना। अरीय प्रवाह, जालीनुमा प्रवाह। इसलिए इनको कई अपवाहों के रूप में माना जाता है, कई अपवाहों के प्रकार हैं। इन प्रकारों को हम देख लेते हैं, डायग्राम से देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कुछ, ठीक है ना। पहला मैंने यहां एक नंबर ऐसे लिख रहा हूं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर। देखिए, कोई नदी जैसे मानव अपने रूपक क्षेत्र से निकलकर जैसे समतल भूमि पर आती है, ठीक है, तो कई नदियों की ये क्या बन जाती है, समतल भूमि पर आकर जल जो है वो कई शाखाओं में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है ना, कई शाखाओं में विभक्त हो जाता है। तो इसको इसकी इसकी आकृति जो बनती है ना, वो आकृति कैसी बनती है, जैसे वृक्ष की जड़ें जो होती है, वृक्ष की शाखाएं होती है या वृक्ष की जड़ें जो होती है, इस तरीके की आप सब कह सकते हैं उसको, है ना, वृक्षाकार प्रतिरूप। यानी जब नदी अपने मार्ग से बहती हुई नीचे समतल धरातल में आती है तो कई शाखाओं में क्या होती है, जैसे आप जल है, अब जल को आप दीवार पर डालोगे तो सीधी धार बनेगी, ठीक है ना, लेकिन उसको नीचे डालेंगे तो आपने धार के अनुसार वो कोई जल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, अलग अलग प्रकार से ऐसे शाखाएं से बन जाएगी। तो समतल भूमि में आने के बाद में जल जो है उसकी गति कम हो जाती है, और गति कम होने के कारण जैसे समतल भूमि में जो ढाल होता है जल उधर ही खिसक जाता है, तो उससे क्या होता है, कई शाखाएं से बन जाती है। वो शाखाएं दूर से या ऊपर से देखने से हमें ऐसा लगता है, किसी ऊंच स्थान से देखने से लगता है कि जैसे वृक्षों की जड़ें फैली हुई, वृक्ष की जड़ें फैली हुई है या फिर वृक्ष की शाखाएं फैली हुई है, इस तरीके की आकृति होने के कारण इसका नाम क्या रखता है, वृक्षाकार। ये प्रतिरूप कब बनता है, जब नदियां
समतल धरातल पर या नीचे वाले धरातल पर या अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाने के कारण जो मैदानों के हिस्सों में आती है, तो मैदानी भागों के अंतर्गत इस प्रकार का अपवाह देखने को मिलता है। जो मैदान होते हैं वहां इस प्रकार का अपवाह, अपने उत्तर भारत के जो गंगा का मैदान का क्षेत्र है या यमुना के मैदान का क्षेत्र है, वहां इस प्रकार की आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी, ऐसा अपवाह तंत्र आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के अपवाह तंत्र को वृक्षा का धूमाकृति, धूम कहा कहते हैं, धूम कहते हैं धूम पूछ, धूम बोलते हैं पूछ को, और धूम से धूम को ही बोलते हैं ध्रुव। तो ध्रुव की आकृति है, पूछ की आकृति, तो जानवरों की जो पूछ होती है उसकी आकृति भी इसमें शामिल होती है। जैसे पूछ के नीचे बाल होते हैं, उस तरीके की आकृति इसको धूमाकृति कहते हैं। ज्यादा फैल जाते तो वृक्षाकार होती है, थोड़ी सर्दी रूप में रह जाती है तो इसको धूमाकृति के नाम से भी जाना जाता है। ये वृक्ष नेक्स्ट कौन सा है, आयताकार आकृति, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है, आयताकार। अब आयताकार आकृति रूप में क्या होता है कि नदियां जो होती है ना वो ऐसे अपने हिसाब से ऐसे मार्ग में बहती, समानांतर बहती रहती है। इस तरीके से एक नदी यहां से निकलेगी वो इसके समानांतर बह रही है, यहां से समानांतर निकलेगी वो इसके समानांतर बह रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से नदियां एक मार्ग में ही अपने समानांतर बहती है, तो ऐसे आयत से बन जाते हैं, चौक से बन जाते हैं, क्योंकि वो चौक अपवाह के नाम से भी जानते हैं, आयत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर नदियां इस तरीके से इनसे निकलकर और यहाँ इसके समानांतर बहनी शुरू हो जाती है, इस तरीके से इसके अपवाह को आयताकार अपवाह तंत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, अलिय प्रतिरूप। अलिय का मतलब होता है जैसे चक्का होता है ना मोबाइल का, इसमें आजकल आपने देखा होंगे, तो ऐसे आकृति जो होती है उन्हें अलिय प्रतिरूप बोलते हैं। कैसे प्रतिरूप, अलिय प्रतिरूप के नाम से इसको जाना जाता है। तो अलिय प्रतिरूप का जैसे आपके मोटरसाइकिल का जो चक्का है ना वो एक अलिय प्रतिरूप है, एलॉय, ठीक है ना, एलॉय व्हील इसको बोलते हैं इस प्रकार का। तो अलिय इसका मतलब क्या है, एक ही केंद्र से कई शाखाएं जा रही हैं, एक ही केंद्र से कई शाखाएं जा रही हैं, तो ऐसा प्रतिरूप जब बनता है उसे क्या बोलते हैं, अलिय प्रतिरूप बोलते हैं। जैसे मान लो कोई पहाड़ी है, उस पहाड़ी के इस क्षेत्र से मान लो ये बर्फ वाला हिस्सा है, जैसे कैलाश पर्वत है, तो कैलाश पर्वत से अलिय प्रतिरूप बनता है क्योंकि वहां से चारों नदियां निकलती है। ये कोई बर्फ वाला क्षेत्र है या कोई ऐसा उद्गम क्षेत्र है जहां जब इकट्ठा होता है, तो यहां से जब एक नदी इधर, 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 इस प्रकार से एक ही केंद्र से एक जो पर्वतीय हिस्सा होता है उससे कई नदियों का अपवाह हो जाता है, तो ऐसे अपवाह को क्या बोलते हैं, अलिय अपवाह तंत्र बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना, कोई हिस्सा है जैसे मान लो ये लोटा है मान लो, है अब इस लोटे के ऊपर हमने जैसे मान लो ये इसका हिस्सा ऐसा है, ठीक है, ये ऐसे 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 पर्वत का हिस्सा है, अब यहां से जल गिर रहा है, ठीक है, अब जल गिरेगा तो देखो आप कई शाखाओं में विभक्त हो जाएगा, यहां से जल गिरा कई शाखाओं में क्या हो गया, विभक्त हो गया। तो इसकी आकृति देखो कैसे बने, भाई यहां से जल आया, जल आके उसको कई शाखाओं में विभक्त हो गया, तो यहां से एक नदी, यहां से एक नदी, यहां से, तो वो कई नदियां इसके रूप में क्या हो गई, फैल गई। तो इस प्रकार का जो अपवाह तंत्र देखने को मिलता है जिसे कहते हैं अलिय अपवाह तंत्र, समझ आया, अलिय अपवाह तंत्र। नेक्स्ट जो प्रकार आएगा उस प्रकार को हम मानते हैं जालीनुमा। अब इससे क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई नदी बह रही है, इस नदी के समानांतर यहां आकर एक नदी बैठ मिल गई, इसमें फिर यहां से आकर एक नदी मिल गई, यहां से आकर एक नदी मिली, फिर यहां से निकली, फिर यहां एक नदी मिल गई, फिर यहां से एक नदी निकल गई, यहां से निकल के फिर एक नदी आने की, ये नदी इसमें मिल गई, फिर यहां आई, फिर इसमें आ गई, फिर यहां से एक नदी निकली, फिर यहां से निकल गई, इसमें मिल गई, यहां से एक नदी आई, फिर इसको संपूर्ण पे काट दिया, फिर यहां आई, फिर इसको संपूर्ण पे काट दिया, यहां मिली। तो इस तरीके से ये नदी जो है वो पूरा क्या बना रही है, जाल बना रही है। तो नदियां नदी के समानांतर बहकर उसको आके संपूर्ण पर काट के उसके बाद में बहना शुरू कर देती है, तो उसे क्षेत्रों से आ समानांतर बहती हुई नदियां जब आगे उसको संपूर्ण पे काटती है, ऐसी नदियों से एक जाल बन जाता है। इस प्रकार के जालनुमा आकृति को क्या कहते हैं, जालनुमा जो
स्वरूप बदला उसे क्या कहते हैं, जाली नमा अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। तो आपको मैंने चार अपवाह तंत्र के नाम बताए हैं, वृक्षानुमा वृक्षाकार प्रतिरूप, जाली नुमा प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप और अरिय। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना और इनके जो डायग्राम मैंने बनाए हैं डायग्राम को आप अपने बुक में उतार। ठीक है, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे हिमालय का अपवाद, हिमालय का क्या अपवाद। तो हिमालय का अपवाद करने के लिए अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपवाद तंत्र के जो दो प्रकार हैं, दोनों प्रकारों में हिमालय का जो अपवाद तंत्र है उसके बारे में जानकारी लेंगे। आज जो हमने समझाया इसको आप अच्छी तरह से समझना, डायग्राम समझाना जो है जो मैंने बताया उतार। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।